गवर्नमेंट सर्वे मैप के अकॉर्डिंग ये 30 फीट का रास्ता है, पर अभी प्रेजेंट में ये 14 से 15 फीट का है। 1200 स्क्वायर फीट का हम लोग का प्लॉट है ये। हाँ। जिसका डायमेंशन आपको ये 30 फ्रंट आ जाएगा। यहाँ पे एमिनिटीज में क्या क्या दे रहे हैं? एमिनिटीज में हम आपको एक तो इलेक्ट्रिक पोल लगवा के दे रहे हैं, यहाँ पे एक पार्क रहेगा। अगर मान लिया जाए कोई भी हमारे व्यूअर्स प्रॉपर्टी लेना चाहे तो यहाँ का बुकिंग प्रोसेस क्या होगा, बुकिंग अमाउंट क्या होगा? अगर वो वन टाइम में रजिस्ट्री लेना चाहते तो उनके लिए एक बेनिफिट हम ये भी देंगे कि जो रजिस्ट्री चार्ज होगा वो हम उनसे नहीं लेंगे, वो खुद करवा के कंपनी देगी। मतलब कि रजिस्ट्री फ्री। नमस्कार, मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं हमेशा नए नए लोकेशंस पे प्रॉपर्टी का वीडियो दिखाता रहता हूँ और आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको पटना का मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब आप YouTube वाला सारा वीडियो WhatsApp पे भी देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आके फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि अब आप लोग अगर प्रॉपर्टी का लीगल वेरिफिकेशन चाहते हैं, जैसे कहीं भी आप प्लॉट परचेस कर रहे हैं या फिर घर परचेस कर रहे हैं, कहीं भी आप उसका पेपर का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, मैंने भी उसका एक अलग से नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। आज हमारे साथ है माया जी हैं, जो आपको बताने वाली हैं कि पटना में किस लोकेशन पे इनका साइट होने वाला है सारा कुछ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। माया जी, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि आज जो हम लोग पटना में जो आप प्रॉपर्टी दिखाने वाली है वो किस लोकेशन में है ये प्रॉपर्टी? ये जो आज मैं आप सबके लिए प्लॉट लेकर आई हूँ, ये हमारा भीटा सरमेरा 6 लेन एक्सप्रेसवे से 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर है ये प्लॉट। अच्छा, एक चीज और, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कितने बीघे का ये साइट है? हमारा ये 20 से 21 बीघे का प्लॉट है। 20 से 21 बीघे का प्लॉट है। और जो ये जो साइट है इसका कनेक्टिविटी क्या क्या है, मतलब इसके नजदीक में जहाँ तक मुझे तो पता है नौबतपुर रिंग रोड है, और क्या क्या यहाँ से कनेक्टिविटी? यहाँ से आपको 4 से 5 किलोमीटर पे स्कूल कॉलेजेस सब मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये यहाँ पे 10 से 11 किलोमीटर पे एम्स गोलम्बर है, वहाँ से फिर आप नौबतपुर रिंग रोड जो आपको मिल ही जा रहा है वहाँ से, नौबतपुर रिंग रोड से तो सारा कनेक्टिविटी। हाँ, वहाँ से कहीं भी निकल सकते हैं। अब आते हैं साइट पे, जरा सबसे पहले ये बताइएगा ये जो रोड है, मतलब साइट जो है आपका, वो कौन से रोड से कनेक्ट है? ये तो जहाँ तक देख रहे हैं गवर्नमेंट रोड है, ये जो भी नजर आ रहा है जरा नीचे दिखाई, 12 से 14 फीट का ही नजर आ रहा है। गवर्नमेंट सर्वे मैप के अकॉर्डिंग कितने फीट का रास्ता है? गवर्नमेंट सर्वे मैप के अकॉर्डिंग ये 30 फीट का रास्ता है, पर अभी प्रेजेंट में ये 14 से 15 फीट का है। अच्छा, यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं कि लाइट वगैरह पोल सारा कुछ लग गया है, और यहाँ पे लगता है कुछ दिन में तत्काल में क्या ये पोल वगैरह लगा है? हाँ, ये तत्काल में ही इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह सब गवर्नमेंट की तरफ से ही लग चुका है। इसी रोड से ही क्या आपका ये साइट कनेक्ट है? थोड़ा आप इधर आ जाएगा, जरा आगे दिखाएगा। हाँ, इसी रोड से ही हमारा ये प्लॉट जो है वो कनेक्टेड है। कितने फिट का एंट्रेंस रोड दे रहे हैं? ये एंट्रेंस रोड जो है हमारा ये आपको, आप थोड़ा आगे आ जाइएगा, ये एंट्रेंस रोड जो है ये हमारा 20 फीट का मेन रोड है। ये आपका 20 फीट का मेन रोड है, मतलब उस रोड से कनेक्ट कर रहा है ये 20 फीट का रोड? हाँ, ये उस रोड से हमारा कनेक्ट कर रहा है, ये 20 फीट का रोड है। अच्छा, मतलब एंट्रेंस रोड 20 फीट का हो गया, और अंदर जो प्लॉट के सामने जो रास्ता होने वाला है वो कितने फीट का है? जैसे कि ये 20 फीट का रास्ता हुआ ना, और ये हमारा जो हर दो प्लॉट के बाद जो ब्रांच रोड रहेगा ये 16 फीट का ब्रांच रोड है। अच्छा, 16 फीट का ब्रांच रोड हर जगह पे। जी, अगर बात करें माया जी कि यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि 20 फीट का, कहाँ से कहाँ तक का स्टार्ट हो जाता है ये आपका रास्ता? हम लोग का 20 फीट वाला रास्ता, मतलब इसका चौड़ाई कहाँ से? हाँ, ये यहाँ से आप देख इस पिलर से इस पिलर तक, इस पिलर से उस पिलर तक आपका 20 फीट का, ये 20 फीट का रास्ता है। और जो बताइए आप 16 फीट वाला, चलो आप इधर आ जाइएगा, ये जो 16 फीट का बताइए किस पिलर से कहाँ से कहाँ? मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा 16 फीट का रास्ता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 16 फीट का रास्ता हो गया। अच्छा, तो इधर आकर दिखाइएगा, जैसे कि ये 16 फीट का रास्ता आपने बताया कि, थोड़ा इधर कैमरा कीजिएगा, ये उस पिलर से लेकर के यहाँ तक 16 फीट का बढ़िया, और प्लॉट इसके ये साइड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम प्लॉट साइज क्या दे रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाएगा। मिनिमम हम आपको 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और मैक्सिमम वैसे तो 3600 स्क्वायर फीट है, बट मैक्सिमम का तो कोई
लिया ही नहीं, आप कितना भी ले सकते, कितना भी ले सकते हैं। 21 बीघे का ये साइट है, ठीक है। तो ये आप 20 फीट और 16 फीट का ब्रांच रोड ले जा रहे हैं। अगर प्लॉट साइज जैसे जैसे कि आपने बताया मिनिमम 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 3600 स्क्वायर फीट तक का, तो अगर मान लिया जाए किन्हीं कस्टमर को 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट ले रहा है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि अधिकतर लोग 1200 ही लेते हैं। 1200 स्क्वायर फीट का अगर डायमेंशन हम आपको बताए, तो आइए मैं आपको 1200 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट पे पहले लेके चलती हूँ। अच्छा, इसमें 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट काटा हुआ है? हाँ, प्लॉटिंग किया हुआ है। कौन सा ये प्लॉट है? 1200 स्क्वायर फीट का हम लोग का प्लॉट है ये। हाँ। जिसका डायमेंशन आपको ये 30 फ्रंट आ जाएगा, मतलब वहाँ से वहाँ दिखेगा, वहाँ से ये लेकर वहाँ तक ये आपका 30 फीट का हाँ फ्रंट हो गया ये, और 40 फीट डेप्थ है। हाँ, 40 फीट जो है ये इसका डेप्थ होगी, मतलब यही आपका ये 1200 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट। हाँ, ये 1200 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट है। चलिए, काफी बढ़िया। अब किन्हीं को इन्हीं इसी में 600 स्क्वायर फीट लेना है, तो हम इसी में से उनको डिवाइड करके 15x40 का प्लॉट देंगे उनको। अच्छा। किन्हीं को 900 लेना है तो इसी में आपको 22.5x40 करके देंगे। अच्छा, ऐसा है। चलिए, काफी बढ़िया है। अब जैसा कि यहाँ पे जरा माया जी ये भी बताइएगा कि यहाँ पे एमिनिटीज में क्या क्या दे रही है? एमिनिटीज में हम आपको एक तो इलेक्ट्रिक पोल के दे रहे हैं, यहाँ पे एक पार्क रहेगा, एक कॉमन स्पेस देंगे हम कि इन फ्यूचर यहाँ पे मतलब मंदिर मस्जिद वगैरह कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कम्युनिटी हॉल वगैरह, तो ये सब दे रहे हैं हम आपको। ड्रेनेज करके देंगे, रोड वगैरह पीछे रोड ड्रेनेज करके। तो आप तो यहाँ पे जैसे ये रास्ता है, थोड़ा इधर दिखाएगा, ये जो रास्ता है इसके बगल से ऐसे ड्रेन निकाल करके देंगे ये सारा कुछ। अच्छा, ये तो कॉर्नर प्लॉट हो गया। हाँ, ये हम अपना कॉर्नर प्लॉट हो गया, तो ये 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। 2400। हाँ, कॉर्नर प्लॉट जिसको भी लेना है तो उसके लिए 2400 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट लेना होगा। और इसमें हम आपको जैसे कि नॉर्मल प्लॉट का रेट है हमारा 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो अगर आप कॉर्नर प्लॉट ले रहे हैं तो इसमें आपको 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जैसे कि मतलब वो 1200 तो 1300 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। आप अपना साइट जरा हमको दिखाइएगा अच्छे से। जैसे ये तो हम लोग का मेन एंट्रेंस रास्ता आपका हो गया आपके साइट का, तो ये राइट लेफ्ट का पूरा प्लॉट हो गया, और ये इसी रोड से सारा रोड कटा हुआ है 16 फीट का। हाँ, और जैसे अभी तक तो पूरे जगह पे डिमार्केशन सारा पूरा प्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लिया जाए कोई भी हमारे व्यूअर्स प्रॉपर्टी लेना चाहे, तो यहाँ का बुकिंग प्रोसेस क्या होगा, बुकिंग अमाउंट क्या होगा? बुकिंग अमाउंट तो 51,000 से बुकिंग आप कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको एग्रीमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको टोटल अमाउंट का आप 20-25% दे के आप एग्रीमेंट करवा लीजिए, और बेस्ट अमाउंट जो आपका बचता है उसको फिर आप ईएमआई के प्रोसेस से दे सकते हैं। मैक्सिमम हम आपको 2 साल तक का ईएमआई प्लान दे रहे हैं। 2 साल का मैक्सिमम, 2 साल का ईएमआई। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कोई हमारे व्यूअर्स वन टाइम में लेना चाहे, मतलब कि आज भी वो 1000 स्क्वायर फीट लिए, वो 12 लाख रुपए तुरंत पेमेंट की रजिस्ट्री चाहते हैं, उनको रजिस्ट्री मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर वो वन टाइम में रजिस्ट्री लेना चाहते तो उनके लिए एक बेनिफिट हम ये भी देंगे कि जो रजिस्ट्री चार्ज होगा वो हम उनसे नहीं लेंगे, वो खुद करवा के कंपनी देगी, मतलब कि रजिस्ट्री फ्री वन टाइम में लेगा, वन टाइम में। अच्छा, तो बुकिंग प्रोसेस भी आपने बता दिया, ये लोकेशन भी थोड़ा चारों तरफ जरा दिखा दीजिएगा। ये लोकेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लॉट है, ये आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक का जो मैं आपको पर्सनली अगर कनेक्टिविटी यहाँ का भी मैं बता दूं आपको, मैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ कनेक्टिविटी, जैसा कि जो मुझे पता है बीटा सर मेरा SS78 जो 6 लेन एक्सप्रेसवे जो बना है, उस एक्सप्रेसवे से मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर अंदर ये प्रॉपर्टी है। नजदीक में आपका नौबतपुर रिंग रोड आ जाता है, एम्स गोलम्बड़ यानी कि एम्स हॉस्पिटल यहाँ से 10.5 किलोमीटर पड़ता है। नियर अबाउट में आपका स्कूल, अगर कॉलेज की बात करें 4-5 किलोमीटर के रेडियस में आपका स्कूल कॉलेज भी आ जाता है। जैसे कि आपका एक नहर वाले भी रोड पर देख रहे होंगे जो एम्स गोलम्बड़ से जो निकलता है रास्ता जानीपुर नहर वाला रोड, और NH 139 औरंगाबाद वाला रोड। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि जो नहर वाला रोड है उस रोड पे भी आप लोगों ने देखा होगा स्कॉलर अब्रॉड करके स्कूल है, वहां पे भी एक स्कूल हो गया, और भी कुछ कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको लेने से ये भी फायदा हो सकता है क्योंकि कनेक्टिविटी इसका शानदार है, क्योंकि नौबतपुर रिंग रोड जो है इसके काफी नजदीक में है और यहाँ से आप हर तरफ निकल सकते हैं। जैसे कि बीटा NH 30 जो कनेक्ट किया है जो 4 लेन, उसके नजदीक में वहां पे एयरपोर्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और वहां पे एक आपका पाटलीग्राम बस स्टैंड भी बन रहा है, ठीक है। वहां से फिर आप इधर अगर आते हैं तो बेलदारी चक यानी कि गया होते हुए आप दनियावा भी निकल सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बीटा से नालंदा को ये कनेक्ट कर रहा है, यानी कि आप ये सेंटर पे इन्वेस्टमेंट प्लॉट परचेस करने वाले हैं। और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो
स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माया जी आपका नंबर मिलने वाला है? हाँ मेरा नंबर मिलेगा, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ से फ्री पिकिंग और सर्विस भी दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपर पटना से हैं तो हम आपको आपके लोकेशन से पिक करेंगे और प्लॉट दिखाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं ये बता दूँ कि जो भी आप प्रॉपर्टी कहीं भी परचेस करें, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो परचेस आप कर ले रहे हैं, अच्छे से पेपर वेरिफिकेशन अपना जो भी आप करते हैं वो सारा कुछ कर लें, उसके बाद अपना प्रॉपर्टी परचेस आप कर लें, ठीक है? सारा कुछ जो भी आपको करना है, वैसे आपको यहाँ पे प्लॉट परचेस करना है तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें।